बसमिल्लामीम हम कह रहे हैं हारमोनिक मीन क्या होता है जी द रेसि प्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ द रेसि प्रोकल्स यानी जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसका आप रेसिप्रोकल लेंगे फिर आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका हम हारमोनिक मीन आ जाएगा यानी आप कह, कह, कह सकते हो हारमोनिक मीन इज इक्वल होता है एन डिवाइड बाय ये नंबर्स का आपने रेसीप्रोकल लिया उसको आपने एड किया वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी प्लस वन ओवर सी प्लस वन दिस इज़ कॉल्ड हारमोनिक मीन एग्जाम्पल ले देते हैं जी वन टू फोर है हमारा अब इन सब का नंबरों का आप ऐसे लेंगे वन ओवर वन वन आ जाएगा वन ओवर टू जीरो पॉइंट फाइव आ जाएगा वन ओवर फोर जीरो पॉइंट टू फाइव आ जाएगा इन तीनों को ऐड करेंगे वन पॉइंट सेवन फाइव हमारे पास आ जाएगा अगर आपने इन इन नंबरों को एवरेज फाइंड करनी है तो डिवाइड बाई हाउ मैनी एवरेज इसकी आ जाएगी वन पॉइंट सेवन फाइव डिवाइड बाई थ्री तो रेसिप्रोकल के साथ आप करेंगे आप उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वन पॉइंट सेवन फाइव ओवर थ्री आ गया आप क्योंकि इसको आपने रेसिप्रोकल करना है क्योंकि हम हमारी डेफिनेशन ये है कि आप जो एवरेज निकालेंगे द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल आपने एवरेज फाइंड आउट कर लिया उसका फिर रेसिप्रोकल आपने लेना है तो आप फिर अगेन जो है रेसिप्रोकल लेंगे तो थ्री बाय वन ओवर वन पॉइंट सेवन फाइव आ जाएगा ये रिजल्ट आ जाएगा वन पॉइंट सेवन वन फोर तो ये हमारा हारमोनिक मीन आ जाएगा एग्जाम्पल और लेते हैं जी हारमोन मीन जो है वो हमारे पास है वही ट्रैवल टेन किलोमीटर एट सिक्सटी किलोमीटर पर आवर सिक्सटी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम टेन किलोमीटर हमने सफ़र किया है फिर हमने एक और सफ़र किया है टेन किलोमीटर का वो ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर के हिसाब किस से किया हमने वाट इज़ द एवरेज स्पीड हमारी एवरेज स्पीड क्या है तो टू ओवर हमारे पास टू नंबर टोटल जो है हमारे पास टू हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है डिवाइड बाई वन ओवर सिक्सटी प्लस वन ओवर ट्वेंटी इक्वल टू आ जाएगा ये थर्टी किलोमीटर पर आवर यानी थर्टी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो, वो जो है वो चला रहा है ठीक है जी थी? काम कर रहा है थर्टी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने टेन किलोमीटर का सबक तय किया है इसकी अब ये स्पीड हो जाएगी इसके आप देखें इसमें आप चेक करें कि हमारे पास टू एट्रीब्यूट्स हो गए थे इसलिए जो जब हारमोनिक मीन हम इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं Uh, जब जो दोनों एट्री बोड जो हैं वो आपके uh, सेम हो लेकिन उनकी जो स्पीड जो है एक एल्टी एक बूट जो है वो डिफरेंट हो तब हम इसको हारमोन मीन को यूज़ करते हैं इसके अलावा हम हारमोन मीन का एक बेनिफिट ये भी है कि इसको हम लार्ज आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस तरह देखें हमारे पास टू फोर सिक्स और वन हंड्रेड है वन हंड्रेड हमारे पास लार्ज वैल्यूज़ है तो अगर हम इथमेटिक मीन निकालेंगे इसका ट्वेंटी एट आएगा ट्वेंटी एट जो है वो इतना क्लोज नहीं है वन हंड्रेड के ठीक है जी ना टू और फोर और सिक्स के क्लोज है जब हम हारमोनिक मीन निकालेंगे इसका तो फोर पॉइंट थ्री टू आएगा तो फोर पॉइंट थ्री टू जो है वो इसके ये जो है ये सब के टू के क्लोज है फोर के सिक्स के ज़्यादा क्लोज है और उसकी नस्बत ट्वेंटी एट की नस्बत ये बेटर रिज़ल्ट आएगा अब ट्वेंटी एट तो किसी की वैल्यू के भी क्लोज़ नहीं आ रहा तो फोर पॉइंट थ्री टू जो है वो आपका टू के क्लोज़ भी है फोर के है सिक्स के है और वन हंड्रेड के जो है एक आउटलायर को कंट्रोल कर सकता है another way to think of it we can arrange the formula about to look like this and divided by harmonic mean 1 over a plus 1 over b plus 1 over c it is not easy to use this way but does look more balanced and on one side matched with n ones on the other and the mean on one side matched with the other values on the other side too तो इस तरह भी अगर आप कहते हो तो इस तरह कर सकते हो लेकिन ये इस तरह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बात वही है क्योंकि तो जब हम हारमोनी को लेके जाएंगे हारमोनी को क्रॉस करेंगे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे उधर भी करेंगे जब हारमोनी उस साइड पे लेके जाएंगे तो हम हारमोनी को मल्टीप्लाई करते हैं हारमोनी उस साइड पे आ जाएगा राइट साइड पे आ जाएगा और ये वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी प्लस वन ओवर सी ये आपका एंड के साथ डिवाइड हो जाएगा तो बात एक ही है ठीक है जी? जी ये आपके कैलकुलेशन का सा बैलेंस है तो बात काम एक ही कर रहा है Thanks for watching.